अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। मैं हूं डॉक्टर अतूफा करीम, स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिया सीड्स के हैरान कुन 7 फवाइद। जाहिरी तौर पर छोटे से नजर आने वाले ये सीड्स वजायत और ताकत से भरपूर हैं। इनमें न्यूट्रिशन कूट कूट के भरा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं और इनके फवाइद जानने की कोशिश करते हैं। चिया सीड्स, इनको उर्दू में तुखम शरबती के नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और बेजल सीड से मिलते जुलते हैं। आपने तुखम मलंगा के बारे में सुना होगा, जिसको इंग्लिश में बेजल सीड कहा जाता है। पहले तो जानने की कोशिश करें कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। चिया सीड्स तुखम शरबती होते हैं और बेजल सीड्स तुखम मलंगा के नाम से हमारे मुल्क में जाने जाते हैं। आज की वीडियो में हम चिया सीड्स के बारे में बात करेंगे, यानी तुखम शरबती के बारे में। सदियों से ये सीड्स अपनी सेहत पर मुतासिर होने वाले असरात की वजह से जाने जाते हैं। ये अलग बात है कि हमें इनके बारे में नहीं मालूम, तो आज की वीडियो में हम वो भी जान लेंगे। सबसे मजे की इनकी जो बात है वो ये है कि आप इनको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्सटाइल है, यानी किसी भी तरह आप इनको अपने खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फवाइद की तरफ, मगर उससे पहले आज हम आपको नहीं कहेंगे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियोस आपको इस बात पे मजबूर करें कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। और वो हमें आपकी पसंदीदगी से ही अंदाजा हो रहा है कि आप हमारी वीडियोस कितना पसंद कर रहे हैं। मगर मैंने ये नोट किया है कि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में वीडियोस लाइक तो करते हैं और देखते भी हैं, मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से वो बहुत सारी मुफीद मालूमात से महरूम रह जाते हैं। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं अगर हमारा चैनल, हमारी वीडियो, तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ही फायदा हो इन वीडियोस से। फायदा नंबर एक है कि ये हाईली न्यूट्रिशियस हैं, गिजायत से भरपूर हैं। सदियों से इन बीजों को अद्वियात में इस्तेमाल किया गया है, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया गया है, हर्बल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि ये कितने ज्यादा मुफीद है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गिजायत से भरपूर है, तो इनके जस्ट 2 टेबलस्पून आपको ये सारी गिजायत फ्राहम करते हैं, जिसमें शामिल है, स्क्रीन पर आपको शो किया जा रहा है, कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, ALA, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, विटामिन B1 एंड विटामिन B3। अब आप खुद सोचें कि एक छोटे से सीड ने आपको ये सब गजाइत फ्राहम की है, और अगर आप 2 टेबलस्पून इसका डेली इस्तेमाल करते हैं तो ये सब इस मकदार में आप हासिल कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं। दूसरा जो फायदा है वो ये है कि ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं आपकी बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल होते हैं जो आपके जिस्म में पैदा होने वाले नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को खत्म कर देते हैं। यानी आपकी बॉडी में जाहिर है कुछ ऐसे केमिकल पैदा हो रहे हैं जो जहरीले हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं, उन केमिकल्स को खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, और ये वही एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं। जब ये जहरीले या नुकसानदेह मवाद, जिनको रेडिकल्स कहते हैं, ज्यादा हो जाएं तो यही फ्री रेडिकल्स कैंसर और आपको तेजी से बुढ़ापे का बाइस बन सकते हैं। इसलिए इनको खत्म करना इससे ऑपोजिट फायदे प्रोवाइड कर सकता है। मिसाल के तौर पे कैंसर से आपको बचा सकता है और आप लंबे अरसे के लिए जवान रह सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो चिया सीड्स में पाए जाते हैं, उनके खास तौर पर आपके दिल और आपके जिगर पे बहुत ही मस्बत असरात हैं, और वो आपको कैंसर से बचाने के भी सलाहियत रखते हैं। और फायदा यह है कि चिया सीड्स आपको वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। अब इसमें दो राय पाई जाती हैं कि हो सकता है ये वजन कम करने में मदद करें या हो सकता है ना करें, मगर अकल का तकाजा ये है कि क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोटीन और फाइबर्स हैं, और प्रोटीन और फाइबर्स लेने से आपको भूख का एहसास कम होता है और ज्यादा देर तक आपको फुलनेस का एहसास रहता है कि जैसे आपका पेट भर गया है, इसकी वजह से आप कम खाते हैं। तो इस लिहाज से ये बात साबित हो सकती है कि वजन कम करने में काफी हद तक इनका किरदार है। कुछ स्टडीज अभी इसके खिलाफ भी हैं, मगर कोई भी स्टडी ये नहीं बताती कि ये वजन को ज्यादा करते हैं। जो भी हैं वो स्टडीज यही कहती हैं, या तो इनका कोई इफेक्ट नहीं है, या फिर बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि इनका वजन कम करने में इफेक्ट है। तो बहरहाल ये आपको प्रोटीन और फाइबर्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं जो कि आपको वजन कम करने में चाहिए होते हैं, तो आप इंजॉय करें इनको। चिया सीड्स आपके दिल की सेहत को मजबूत करते हैं, ये बात भी काफी रिसर्चेस ने साबित की है, मगर कुछ रिसर्चेस अभी इसके अगेंस्ट भी हैं। बहरहाल ये तो देखा गया है कि चिया सीड्स में पाए जाने वाले ओमेगा 3 और एक खास केमिकल ALA, ये चीजें बहुत ज्यादा
आपके दिल की सेहत के लिए मुफीद हैं। उसके अलावा चिया सीड्स में पाए जाने वाले फाइबर्स आपके जिस्म में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल को कम से कम करते हैं और वो एट द एंड आपकी जिस्म की आपके दिल की सेहत के लिए अच्छा है। अगला फायदा है कि आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। जो केमिकल मैंने आपको बताए थे ये हमें प्रोवाइड करता है, उसमें वही हैं जो बोन्स के लिए जरूरी हैं, मसलन कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। ये तीन तो आप जानते ही हैं कि हड्डियों के लिए कितना जरूरी हैं, और ये तीनों ऐसे मिकदार में होते हैं कि ये आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। एक और फायदा इनका ये देखा गया है कि ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। यानी जो लोग इंसुलिन लगा रहे होते हैं तो वो इंसुलिन बेहतर तरीके से अमल कर सकती है, बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकती है और शुगर को कंट्रोल कर सकती है खून में। एक और फायदा है कि ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये बल्क इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, फाइबर है और ज्यादा देर तक आपको फुलनेस का एहसास भी दिलाता है, इसी तरह ये बल्क इफेक्ट ही आपको कब्ज से निजात देने में भी मदद देता है। और सबसे मजे की बात ये है कि आप इसको किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरियल्स खा रहे हैं तो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके, दूध में डाल के, पानी, शरबत, जूस किसी चीज में भी ऐड करके, मिल्क शेक में, स्मूदीज में डालकर किसी भी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, दही में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये एक वर्सटाइल फूड है और आप किसी भी तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे चिया सीड्स के अहम और हैरान कुन फायदे। मुझे उम्मीद है कि आप इनको इस्तेमाल करेंगे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनसे कितना फायदा हुआ, ताकि सब आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।